Hello, Nikki. Welcome to Times of India. Thank you. And tell me, आपके promos को ब्रह्म राक्षस के promos को काफी अच्छी you know reviews मिल रहे हैं, काफी लोगों को पसंद आ रहा है. तो अपने character के बारे में बताइए and कैसा रहा है promos को shoot करने का experience? Promo को shoot करने का experience was amazing, absolutely amazing. It's my first lead show, so बहुत ज़्यादा exciting process है और मैं हर चीज़ को बहुत अच्छे से enjoy करके चल रही हूँ at this point of time. And बहुत अच्छा response मिला है अभी तक. I'm just hoping कि बस जब ये show आए तो लोग उतने ही प्यार से इसको accept करें. And how did you bag this role? You know, Brahmaraksha season 1 जो था वो अपने आप में बहुत ज़्यादा popular था, बहुत famous था. और अभी ये season 2 आ रहा है, तो इसमें भी you know बड़े तरीके से ही सब चीज़ें हो रही होंगी. आपको ये role कैसे मिला? Actually मेरा तो मैं बहुत जल्द actually जाने वाली थी यहाँ से Bombay से, but last minute पे somehow you know like everything worked out, like I got shortlisted. मुझे बोला गया कि नहीं अभी आप बॉम्बे छोड़ के नहीं जा सकते. मैं पढ़ने जा रही थी. जब ये सब हो गया तो पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैं बालाजी के साथ मेरा फर्स्ट लीड शो करने जा रही हूँ इतने बड़े चैनल पे, जी पे. एंड जब पता चला कि यू नो एग्जैक्टली कौन सा शो क्या, आई वॉज अगेन शॉक्ड बिकॉज मैं ब्रह्म राक्षस देखती थी, मैं बहुत बड़ी फैन थी और मुझे बहुत अच्छा भी लगा था. तब तक मुझे रियलाइज ही हुआ था कि मैं इतना बड़ा शो करने जा रही हूँ. और जब तक प्रोमो भी नहीं किया तो आई वाज स्टिल लाइक पिंचिंग माय सेल्फ कि क्या मतलब सच में आई एम डूइंग इट. बट अब थोड़ा थोड़ा सिंक इन हो रहा है. और जैसे आपने बोला कि यू नो आप स्टडीज के लिए जाने वाले थे, तो अब कैसे मैनेज करोगे क्योंकि शूटिंग तो शुरू हो जाएगी कुछ समय में एंड डेली सोप्स तो बहुत हेक्टिक मीडियम होता है, तो कैसे करोगे मैनेज? मुझे पार्ट टाइम ही करना होगा जो करना होगा. एंड यू नो लाइक आई स्टिल लाइक हैव क्योंकि इट्स अ बाई वीकली शो. एंड मतलब आई थिंक हो जाएगा, इट्स डूएबल. एंड यू नो लाइक आई प्रॉमिस माईसेल्फ लॉकडाउन में बी आई वाज जस्ट स्टडीइंग डूइंग ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आई वाज सपोज्ड टू डू. लेकिन इसने मुझे थोड़ा सा डीरेल कर दिया. बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था. मतलब वो एक होता है ना जब आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो तब आपके पास कुछ नहीं आ रहा होता, फिर जब आया तो इतना बड़ा शो है ना, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे इसे बिल्कुल मिस नहीं करना. यू नो जैसे आप बोल रहे हो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था और ये आपको एज अ लीड फर्स्ट मिल रहा है और एक बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइज रहा है यू नो ब्रह्म राक्षस, और अब इसका सीजन 2 आ रहा है, तो कोई प्रेशर भी है क्योंकि सीजन 1 इतना हिट था तो वो ही सक्सेस हिस्ट्री डिलीवर करनी होगी, एक्सपेक्टेड है कि करना होगा, तो वो एक्सपेक्टेशंस किसी तरीके का प्रेशर ला रहा है? एक्सपेक्टेशंस ही फैंस, क्योंकि उन्होंने शो देखा हुआ है ऑलरेडी तो उनको एक सर्टेन लेवल की एक्सपेक्टेशन तो ऑब्वियसली होगी. और हम भी जब नॉर्मल ऑडियंस की तरह कोई शो या मूवी देख रहे होते तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कैरेक्टर्स जिनसे हम इतना जुड़े हैं वो सेकेंड में भी आए, वो सेकेंड. सो मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट द प्रेशर, इट्स जस्ट दैट थोड़ा उनको टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने में क्योंकि इट्स लाइक अ न्यू शो, न्यू बिगिनिंग. बट आई थिंक दैट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम अपना काम चाहे अच्छे से सिंसेरली कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे. और मैं सोचती हूँ कि अगर मैं अपना काम जाके अच्छे से कर रही हूँ, जस्टिफाई कर रही हूँ, तो मुझे वो प्रेशर इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. ऑल्सो प्रोमो में आपकी इस शो में आपकी जोड़ी जो है वो पर्ल के साथ बनी हुई है एंड पर्ल इज यू नो वन ऑफ द पॉपुलर यंग हार्टथ्रॉब्स ऑफ टीवी इंडस्ट्री. तो कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का एंड हैव यू सीन हिज प्रीवियस शो? आई डिड वॉच नागिन. मैं जैसे आई थिंक सारे इंटरव्यूज में बोलती आ रही हूँ, आई एक्चुअली लाइक वॉचिंग डेली सोप्स. आप मुझे अभी भी पूछोगे सो आई एम अपडेटेड. नागिन भी मैंने देखा, इट वाज अ वेरी हिट शो तो भी मुझे अच्छा लगा था. एंड यू नो नाउ वर्किंग विथ हिम, हम लोगों ने प्रोमो साथ में शूट किया, सो ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन, ही इज अ वेरी गुड को एक्टर. थोड़ी बहुत मुझे जो प्रॉब्लम आ रही थी उन्होंने मुझे हेल्प भी की, ऐसा ही थोड़ा ऐसा कर फोटो शूट कर रहे थे हम,
सो ही इज वेरी हेल्पफुल एंड आई थिंक जब आपका कोस्टार कोई ऐसा हो जिसके साथ एक तो उनको एक्सपीरियंस भी है एक इतना सुपर हिट नेचुरल शो डिलीवर करने का तो वो मैं उनके साथ डिस्कस कर सकती हूँ उसके बारे में प्लस वो बहुत क्या बोलते हैं 12 बार जब आप किसी के साथ शूट कर रहे होते हो तो थोड़ा अगर कंपैटिबिलिटी हो थोड़ी बहुत तो वो बहुत अच्छा हो जाता है सीन्स अच्छे आते हैं एंड वो पूरे शो पूरे सेट पे जितने भी लोग उनके लिए अच्छा होता है ऑल्सो यू नो क्योंकि पैंडेमिक है पैंडेमिक में शूट करना कितना मुश्किल रहा वो डिसीजन लेने का क्योंकि जब लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ तो आप हम सब यू नो अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे और हमें डर नहीं था कि यू नो कोरोना से अफेक्टेड होने का या इन्फेक्टेड होने का लेकिन क्योंकि अब आप बाहर निकल रहे हो आप इतने लोगों से मिलोगे और इतने लोगों से यू नो विल बी एक्सपोज टू द वायरस तो वो डर था कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जब आपने प्रोमो के लिए शूट किया और अब आप जब शूटिंग स्टार्ट करोगे डर आई थिंक होता ही है बहुत बेसिक ह्यूमन नेचर है क्योंकि यू नो हम इतना सुन रहे थे न्यूज में हर जगह हर न्यूज चैनल पे कोरोना वायरस की तो मैं एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को क्योंकि मुझे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी मिल गया इन इस कि बहुत आई अंडरस्टैंड कि सिचुएशन कैसी है बट मैं ये भी मतलब बिलीव कर रही हूँ कि मैं ये मिस नहीं करना चाहती थी मुझे लगता है कि अब हमें ना इसके साथ थोड़ा जीना सीखना पड़ेगा क्योंकि अब पता नहीं कि ये प्रॉब्लम जो है ये कब तक जाएगी जी कब तक कोई गारंटी है नहीं right. तो यही है कि हम अपने आप को अच्छे से हमारी इम्यूनिटी पे काम करके प्रिकॉशंस लेके भाई जितना अपने आप को सेफ रख सके और उसके साथ काम कर सके तो ये हमारा एक जो नया नॉर्मल तरीका है वो आई थिंक सब चेंज करना पड़ रहा है हम सबको हमें थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए यू नो निकी जैसे आपने कहा ये आपका पहला शो है तो आपने आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की एंड जर्नी कैसी रही है क्या आपके हिस्से में भी अपने शेयर के रिजेक्शंस आए क्रिटिसिज्म्स आए या योर जर्नी हैज बीन अ स्मूथ सेलिंग नहीं एवरी जर्नी हैज क्रिटिसिज्म्स एवरी जर्नी हैज रिजेक्शंस आई आल्सो हैड माय फेयर शेयर ऑफ रिजेक्शंस बट मुझे कभी उस चीज ने क्या बोलते हैं वो नीचे नहीं गिरने दिया मुझे हमेशा यही होता है कि अच्छा अगर किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया है तो एक्चुअली मेरे फील्ड में आने का यही हुआ क्योंकि मुझे किसी ने बोल दिया था कि तुम कभी एक्टिंग कर नहीं पाओगी तो मैंने बोला कि मुझे अब यही करना है बिकॉज मुझे प्यार हो गया था कैमरा से मुझे इस आर्ट से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था सो उस वजह से मैं यहाँ मतलब इंडस्ट्री में आने का मैंने सोचा एंड मतलब अब इतने सालों से जो भी है मैं कर ही रही हूँ बट मुझे क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन से तो कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है और जर्नी मेरी स्टार्ट आई थिंक कहीं ना कहीं बचपन से ही हो गई थी मैं जो मेरे आसपास लोग थे हमेशा बोलते थे कि बहुत एक्सप्रेसिव है बहुत ड्रामेटिक है मैं शीशे के सामने जाके मम्मा डांटती थी तो मैं शीशे के सामने जाके रोती थी क्योंकि मुझे लगता था मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ रोते हुए या तो वो एक्टिंग का थोड़ा जो कीड़ा था वो था लोगों को तो देखना था मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ बट कभी कभी ऐसा हुआ कि यू नो आपको आप ऑडिशन के लिए गए हो और आप रिजेक्ट हुए तो अगर वो रिजेक्शन हुआ भी है तो आप या फिर आपको ओवरनाइट रिप्लेस कर दिया हो तो उन क्रिटिसिज्म उन रिजेक्शंस को आपने किस तरीके से हैंडल किया बहुत आई थिंक करियर की बहुत स्टार्टिंग में क्योंकि मैंने कभी मैं एक्टिंग स्कूल गई नहीं मैंने जो भी सीखा है काम पे ही सीखा है बट जो मेरा पहला एक मैं एपिसोडिक करने गई थी ऐसी सीखने के लिए काम सीखने के लिए आई वाज नॉट डूइंग इट प्रोफेशनली और एनीथिंग एज सच मैं जो डायरेक्टर थे थोड़ी देर के बाद उन्होंने भी मॉम को बोला कि नहीं मैं इसके साथ तो काम नहीं कर सकता बिकॉज You know, we'll have to reshoot and we also understood. But उन्होंने मुझे निकाल दिया था वहाँ से मतलब ऐसे जाने बोल दिया था तो I felt really bad about it. But मुझे उसने push दिया तो कभी भी ऐसे हुआ है कि कहीं से कुछ criticism आया पहले मुझे weight के लिए भी आता था कि you know मेरा weight थोड़ा ज़्यादा है तो उसको कम करो So I think criticism is not a bad thing always. Sometimes it works in your favor. It's just how you perceive it. मेरे लिए तो हमेशा वो
होती है, क्योंकि जब भी मुझे कोई क्रिटिसाइज करता है, I'm like, no, I will prove you wrong. And you know, जब अब आपका शो शुरू होने वाला है, प्रोमोज आ गए हैं, पब्लिसिटी हो रही है, क्या कहना चाहेंगी जो लोग आपके शो के साथ जुड़ेंगे, जो लोग आपका शो देखेंगे, आप अपने फैंस को क्या कहेंगे? मैं जितने भी लोग इस शो से जुड़ने वाले हैं, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत सारा प्यार हमको दें एंड मेरे कैरेक्टर कालिंदी को बहुत अच्छे से बाहर फैला के उसको यू नो एक्सेप्ट करें. एंड मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि ऑडियंस पूरे शो को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेगी, जैसे उन्होंने पहले सीजन को किया है. एंड आई एम वेरी होपफुल, आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल. बस हमेशा प्यार मिलते रहे, हम ऐसे ही काम करते रहे, और क्या चाहिए. Okay, thank you so much, Nikki. It was great talking to you. And all the best for the show. Thank you so much. Yes, we need all the luck. I'm sure it will be a big hit. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye-bye. Bye.